जब पहली बार अंग्रेजों ने हमारे देश में कदम रखा, किसी को भी मालूम ना था कि इनका शिकंजा यहाँ इतना कस जाएगा कि हमें कई सौ साल लग जाएंगे उन्हें तोड़ फेंकने में। आए तो थे वो व्यापार के लिए, मगर धीरे धीरे उन्हें हमारी अज्ञानता और गरीबी जैसी बीमारी से पीड़ित होने का पता चल गया। और फिर क्या था, लगे उसी बीमारी का फायदा उठाने। भारत में लगभग 225 साल बाद 1857 में पहली बार उनकी जुल्म का विरोध किया। विरोध हुआ देश के कोने कोने से। एक तरफ महारानी लक्ष्मीबाई थी, जिन्होंने अकेली एक नारी होते हुए भी अंग्रेजों को चुनौती दी। और दूसरी तरफ कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी होने के मुद्दे को लेकर मंगल पांडे ने अपनी रेजिमेंट से विद्रोह शुरू किया। कहीं वासुदेव बलवंत फड़के अपना रंग दिखा रहे थे, तो कहीं तांतिया तोपे। सारा देश अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजा चुका था। तो फिर यूपी का ये मेरठ का किनारा भी कैसे बाकी रहता। बजरौल के बाबा शाहमल ने इस इलाके में अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए। 11 मई 1857 से 21 जुलाई को उनकी शौर्य गाथा मेरठ जनपद तथा लोकमानस पर आज भी जीवित है। राम श्यामल सिंह हमारे बाबा जी थे जी। वे जो अंग्रेजी सरकार, जो हमारे अंग्रेजी हुकूमत जो थी, वो हमारे किसानों पर बहुत अत्याचार करती थी। उसके लिए वे एकजुट होकर बहुत सी बिरादरियों को, किसान पर जो कर ज़्यादा लगा दिया था, उस कर को हटाने के लिए और देश मुक्ति के पाने के लिए उन्होंने अपना एक संगठन बना, सर्वखाप पंचायत की जो भनेडे में, उसका मतलब पूरा उद्देश्य था कि उनके सभी किसानों को, सभी मतलब खापों को एक कर दिया गया, उन्हें करके वे एक साथ जाकर लड़े। बजरौल का ये इलाका उपजाऊ भूमि और पूर्वी यमुना नहर की सिंचाई से संपन्न था। बड़ौत परगना मेरठ जिले का सबसे समृद्ध इलाका माना जाता था। आबादी में मुख्य जाट किसानों का था। लॉर्ड लेक से पराजित होकर दौलतराव सिंधिया ने 30 दिसंबर 1803 को गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र अंग्रेजों के हवाले कर दिया। अंग्रेजों ने अधिक से अधिक राजस्व इकट्ठा करने के लिए इस क्षेत्र के लिए मालगुजारी की दरें ऊंची रखी और लगान ना देने पर भूमि पर कब्जा करके उसे नीलामी करने का अधिकार सरकार से कानून के जरिए अपने हाथों में ले लिया। बाबा शाहमल बहुत ही मधुर स्वभाव वाले व्यक्ति थे। बच्चों से बैठकर बातें करना और उनके अंदर देशभक्ति की भावना फूंकना उनकी रोज की दिनचर्या का काम था। बच्चे भी उनसे काफी खुश रहते और उनकी इज्जत करते थे। बाबा शाहमल किसानों को अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ भाषण देते और उन्हें लगान देने से मना करते थे। उस इलाके के लोग उन्हें अच्छी तरह से सुनते और उनके कहे पर अमल करते थे। यहाँ के 84 गाँव के लोगों ने, जिनके निवासी गुज्जर, मुसलमान और जाट आदि थे, वे बाबा शाहमल को अपना नेता मानते थे। अंग्रेजों से अपनी मुठभेड़ में उन्होंने उन्हें कई बार शिकस्त दी।
कभी कभी ये लौह पुरुष अंग्रेजों को छकाने के लिए छद्मवेशी दाढ़ी लगा लेते, और छद्मवेशी ये वृद्ध जब घोड़े पर सवार होकर निकलता तो अच्छे अच्छे नौजवानों की गर्दन नीची हो जाती। स्वभाव से स्वाभिमानी और दानवीर ये वृद्ध लोगों की मदद करता। बाबा शाहमल ने 84 गांव को मिलाकर एक संगठन 84 बनाया और 1856 में सर्वखाप के रूप में उनकी सभाएं जंगलों में शुरू हुई और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपना खुला विरोध शुरू कर दिया। अपने देश को बचाना है, हम ये कभी भी सहन नहीं करेंगे कि ये मुट्ठी भर अंग्रेज और बेगम समरूप हम जाटों पर हद से ज्यादा कर लगाए। ये गोरे हमारे देश को खोखला बना रहे हैं, हमें अपने देश की सरजमीन से इन गोरों को खदेड़ना है। इसके लिए चाहे हमें अपनी गर्दन ही क्यों नहीं कटवानी पड़े। क्या समझते हैं ये गोरे, हम अकेले हैं? गलत, बिल्कुल गलत। हमारे साथ गुज्जर भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, 84 गांवों का साथ है हमें। इसी बलबूते पर, इसी शक्ति से हमें इन गोरों को खदेड़ना है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चतुर शाहमल ने इस इलाके में कई नए मित्र बनाए और अंग्रेजों को खुलेआम चुनौती देने लगे। उन्होंने कई लड़ाइयां जीती, कई बार अंग्रेज उन्हें देखते ही भाग खड़े होते। शाहमल की बढ़ती हिम्मत ने अंग्रेजों को सकते में डाल दिया था और वे पूरी तरह से हरकत में आ गए थे। जहां तहां वो उनकी खोज में निकल पड़ते, मगर कोई भी उन्हें बाबा शाहमल का पता ना बताता था। मगर शाहमल के मंसूबों को कौन रोक सकता था? उन्होंने अंग्रेजों की पुलिस चौकी पर हमला बोल दिया और उसे तोड़फोड़ दिया और फिर उसमें आग लगा दी। टेलीग्राफ की लाइन काट दी। सप्लाई पहुंचाने वाले काठ के पुल को भी तोड़ दिया। शाहमल ने सर्वखाप पंचायत के नेताओं के साथ दिल्ली के लाल किले के बादशाह बहादुर शाह जफर से भेंट करने के लिए अपने एक दूत को भेजा और अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए अपनी सेवाएं अर्पित करने का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने बादशाह से मांग की कि उन्हें हथियार मुहैया कराए जाएं, जिससे कि वे अंग्रेजों से लड़ सकें। बादशाह ने उनके दूत को आश्वासन दिया। शाहमल ने अपनी हरकत जारी रखी और अंग्रेजों और उसकी सेना को कई तरीकों से नुकसान पहुंचाने की अपनी मुहिम को भी जारी रखा।
अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार डाले हम पे, हमारे घर जला दिए, जमीन जो थी वो सब अपने अंडर कर ली, 5 साल के लिए पट्टे छूटे थे, जमीन बड़ी मुश्किल से फिर दोबारा पट्टा लेकर उसमें खेती वेती करे थे, सरकारी कोई नौकरी नहीं थी हमारी, सब कुछ जो भी अत्याचार कर सके थे 32 आदमियों को यहाँ फांसी दी गई, और मतलब उन्होंने बहुत जुल्म ढाए हमारे पर। मैम हमारे बाबा जी लाए जी, जब युद्ध छिड़ा उनका और उन पर दाह अकवाई जिससे गेहूँ गाने की जो वे होती थी उनको उसमें जैसा अंग्रेजों को उन्होंने बताया, एक हमारे पास में गांव था उनको अकाब की बेगम बेगम जो है वहाँ पर दाह आकरी श्यामल सिंह जो है उन्हें घेर कर ले गया यहाँ से, तो उनको इनाम में एक गांव दिया गया और हमारे 29 गांव बागी कर दिए गए, हमारे घर जला दिए गए, जमीन खोस ली गई, हमारे बुजुर्गों को ऐसा भी अधिकार नहीं दिया कि एक सरकारी पेड़ पर से या किसी पेड़ पर से एक खुंटा सार का भी अपना मतलब जो है खुंटा भी काट ले। शाहमल की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए मेरठ के मजिस्ट्रेट आरएफ डनलप की सलाह पर एक मजबूत घुड़सवार टुकड़ी मेरठ के लिए रवाना की गई, जिसमें कई बेरोजगार यूरोपीय युवक भी थे जिन्हें सबसे बढ़िया राइफल मुहैया कराई गई थी। डनलप ने कई तरीकों से शाहमल को पकड़ने की योजना बनाई। अंग्रेजों के लिए शाहमल को खत्म करना जरूरी हो गया था, क्योंकि शाहमल को खत्म किए बिना दिल्ली को हासिल करने का मंसूबा उन्हें पूरा होता नजर नहीं आता था। मगर अंग्रेजों की योजना की खबर शाहमल को मिल जाती और वो बार बार उन्हें चकमा देकर निकल जाते। उस इलाके के लोगों के दिलों में ये बात बैठ चुकी थी कि खाक खुदा की, मुल्क बादशाह का और हुक्म बाबा शाहमल का। एक अंग्रेजी अफसर मेजर विलियम ने शाहमल की इस वीर गाथा को अपनी किताब में कलमबंद किया है और कहा है कि बड़ौत के इस वीर को यहाँ के लोगों ने राजा की उपाधि दी थी, मगर डनलप भी हार मानने वालों में से ना था। आखिर वो दिन आ ही गया जब उसकी मुठभेड़ शाहमल से हो ही गई। लगभग 200 आदमियों के साथ जमकर मुकाबला हुआ। आखिरकार बाबा शाहमल अकेले घिर गए और अंग्रेजों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उनका सर काटकर गांव-गांव घुमाया गया ताकि फिर कोई इस इलाके में अपना सर ना उठा सके। उनके 32 आदमियों को एक साथ फांसी दी गई। बड़ौत की सरजमीन पर ये वही जगह है जहां शाहमल का सर काटा गया था। इस इलाके के लिए ये जगह बहुत ही पूजनीय है।
और ये वही पेड़ है जहां शाहमल के आदमियों को फांसी दी गई थी। एक तीर्थ स्थान का दर्जा रखता है। ओ जिला बागपति तहसील बड़ोते मैं ये बाजतपुर बिजरोल बसे हो यान मान पे जान झोके दे हे वीर घणी अनमोल बसे ये जिला बागपत तहसील बड़ोते में हे बाजतपुर बिजरोल बसे हे यान मान पे हे जान झोके दे हे वीर घणी अनमोल बसे हे परम परा की हे रीत गीत सब हे भारत माँ के गाँव नर नारी सब हे नेम टेम से हे हर दम ध्यान लगाव हे योम हरि रट हे सुबह श्याम में हे शिव की जोत जलावे भारत माँ की हे रक्षा खतर हे अपना खून बहावे और भला सभी दुनिया का चावे भला सभी दुनिया का चावे मुके मीठे बोले ये से। शाहमल और अन्य शहीदों के नाम पर यहाँ स्मारक बनाया गया है। कई स्कूल और कॉलेज भी उनके नाम से हमें उनकी देश के प्रति कुर्बानी की याद दिलाते रहेंगे। वो पुल जो कभी शाहमल ने अंग्रेजों की सप्लाई बंद करने के लिए तोड़ दिया था आज नए रूप में उन्हीं के नाम से देश के लिए उनकी कुर्बानी की याद में एक स्मारक की तरह जाना जाता है। ये पुल हमेशा आने वाली पीढ़ियों को इस पार से उस पार पहुंचाता रहेगा और हमें 1857 के इस अमर शहीद की याद दिलाता रहेगा। भले ही इतिहास के पन्नों में वो जगह उन्हें ना मिल सकी हो जिसके वो अधिकारी थे, पर इससे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में दिया हुआ उनका योगदान कम नहीं हो जाता। ऐसे वीर और क्रांतिकारी को हमारा सत सत प्रणाम।